What? एक सेकंड। बिजी। अब देखो काफी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है कॉलिंग ऑन हॉन्टेड नंबर पे, ठीक है ना, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ कॉल करा है हॉन्टेड नंबर पे, देखा क्या रिएक्शन हुआ और चले गए। लेकिन मैं सिर्फ हॉन्टेड नंबर पे कॉल ही नहीं करूंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पर्टिकुलर वो हॉन्टेड नंबर हॉन्टेड क्यों हुआ, ऑरिजन कहां से है उस नंबर का, किस कंट्री से है, कहां के लोगों ने बताया ये हॉन्टेड है और इसके पीछे की स्टोरी क्या है। मैं प्रॉपर हर चीज डिटेल में आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। मेक श्योर वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और वन मोर थिंग गाइस, आप लोगों को जैसे पता है मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोल चलाता हूं कि कौन सी वीडियो आप लोगों को चाहिए। मैं हर तरीके का मतलब पोल चलाता हूं। मैंने पिछला पोल चलाया था, 17 घंटे हुए हैं, लगभग 7000 से ज्यादा लोगों ने वोट कर दिया है। कॉलिंग ऑन हॉन्टेड नंबर, फनी वेडिंग रिएक्शन या फिर ब्लॉग, आप लोगों ने बोला कॉलिंग ऑन हॉन्टेड नंबर। अब से कुछ दिन पहले सबसे ज्यादा जो मैंने सबसे पहला जो पोल चलाया था, न्यू स्टोरी चाहिए रियल हॉन्टेड है, आप 11000 लोगों ने 95% वोट करा, बोला यस हमें चाहिए स्टोरी। जो भी वोटिंग में सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा, चाहे वो ब्लॉग हो, रियल स्टोरी हो, हॉन्टेड स्टोरी हो, एक्सपेरिमेंट हो, कुछ भी हो, सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेगा आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू गाइस। ओके गाइस, तो अभी मैं आपके सामने एक नंबर बताने वाला हूँ, 666666666। ये एक हॉन्टेड नंबर है और इसकी जो स्टोरी है वो ये है। 4 year पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन रिसीविंग क्रीपी मैसेज फ्रॉम द फोन नंबर 666666666. सम पीपल हैव बिलीव दिस फोन कॉल्स कम फ्रॉम द डेविल। तो भाई कुछ लोगों का मानना है डेविल का से ये कॉल आई थी, इस नंबर पे क्रीपी मैसेजेस आए थे उनके पास। तो वी आर गोइंग टू ट्राई दिस। मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया है, शायद आपको दिख ना रहा हो पर मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया है। तो चलो इस पे कॉल मिलाते हैं। ओके, तो मैं इस पे कॉल मिलाने वाला हूँ। ओके, तो इस नंबर से हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है, तो डोंट वेरी, हमारे पास और भी बहुत नंबर हैं अभी, तो अगले नंबर की तरफ चलते हैं। सो, जो अगला हमारा नंबर है वो नंबर है हमारा खाली 666, अगर मैं 666 ये हमारा नंबर। ओके, तो ये नंबर यूएसए से बिलोंग करता है, मतलब यूएसए के लोगों का ऐसा मिथ है कि दे सेड दैट इफ यू कॉल इट नंबर यू विल कॉन्टेक्ट टू डेविल, मतलब अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हैं तो आप डेविल से कॉन्टेक्ट करेंगे। तो लेट्स गो, इस पे कॉल करके देखते हैं। What? एक सेकंड। आपने कुछ आवाज सुनी थी, हल्की सी ग्लिच किसी आवाज थी शायद, कुछ मतलब कॉल ग्लिच था क्या? ठीक है, इस नंबर को छोड़ते हैं, इसमें ग्लिच हो रहा है कुछ या पता नहीं क्या है। ठीक है, अगले नंबर की तरफ चलते हैं अपने। ठीक है, यहाँ भाई बहुत गर्मी हो रही है, मुझे लिटरली पसीने आ रहे हैं, मेरा फैन वगैरह सब बंद है, ऊपर से ऐसा 100 चीजें कर रहा हूँ, पूरा भीग रहा हूँ मैं अंदर से। ओके, कहीं ऐसा तो नहीं भाई ये वाला कॉल मेरा रेड रूम को लग गया, और रेड रूम के बारे में अगर नहीं बताओ तो कमेंट करके जरूर बताना, कभी किसी दिन उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो अगला नंबर जो है हमारा बिलोंग करता है जापान से। इन जापान द नंबर 090-4x4-4x4 वाज नो एस सोडेको नंबर। आई डोंट नो ये मैं सही से बोल रहा हूँ या नहीं। इफ यू कॉल द नंबर यू आर सपोज टू बी एबल टू हियर सम स्ट्रेंज क्रीपी नॉइज। अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हो तो आपको कुछ क्रीपी स्ट्रेंज थिंग्स की आवाज मतलब सुनाई देगी, और आप विद इन अ वीक आपकी डेथ हो जाएगी कुछ क्रीपी तरीके से, ऐसा इसमें बोला गया है, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस नंबर अगेन। ओके, मैं आपको स्क्रीनशॉट साइड में दिखा रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो 09-01234-1234 नंबर यहाँ ऐड कर लिया है। मैंने नंबर ऐड कर लिया है, ठीक है, शायद आपको दिख ना रहा हो उसके लिए सॉरी, तो कॉल मिलाता हूँ। बिजी, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कुछ समय पश्चात प्रयास करें। सी, मैंने आपको स्क्रीनशॉट साइड में दिखाया, ये नंबर बिजी कैसे हो सकता है, लेट मी कॉल अगेन। अगर ये नंबर बिजी है तो ये वर्किंग में है, ये डेफिनेटली सी बात है, ये जापान का नंबर है। कुछ लोगों ने बोला है कि क्रीपी नॉइज आती है, एक्सीडेंट हो जाता है। ओके, तो अगला नंबर है 999999 अकॉर्डिंग टू द मतलब ये थाईलैंड से बिलोंग करता है। थाईलैंड के लोग सोचते हैं कि ये नंबर कर्स्ड है, मतलब इस पे श्रापित नंबर है। इफ यू कॉल इट एंड मेक ए विश, अगर आप इस नंबर पर कॉल करते हैं विश मांगते हैं, योर विश विल बी ग्रांटेड, आपकी विश पूरी हो जाएगी।
However, you will die soon. Oh my God, freaky accident. मतलब भाई आप लोगों ने अगर इस नंबर पर कॉल करी, आपने कोई विश मांगी तो आपकी विश पूरी हो जाएगी, लेकिन आप बहुत गंदे तरीके से एक्सीडेंट में फिर खत्म. तो लेट्स डू इट. ओ माई गॉड, ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं भाई. ओके 999, ओके 999, ठीक है 999999, लेट्स डू इट. 1 2 3 गो. ये नंबर भी गलत बता रहा है. तो अगला जो नंबर है हमारा बल्गेरिया से आता है और ये है 0888888. ओ गॉड, बल्गेरिया द फोन नंबर 0888888 इज बिलीव टू बी क्रस्ट दिस. अच्छा, तो अगला जो नंबर है ना बहुत ही ज्यादा ओपी स्टोरी है इसकी, मैं आपको बताता हूँ. ये बल्गेरिया से बिलोंग करता है 0888888888. इसकी स्टोरी सुनो फिर कॉल लगाएंगे इस पे, ठीक है ना. मैंने पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट साइड में लिखा है, पॉज करके पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो. फिर से याद दिला रहा हूँ, अगर किसी इंसान के पास ये मोबाइल नंबर है तो उसकी हॉरिबली डेथ हो जाएगी. आगे इन्होंने बताया पहले इंसान ने जिसने ये खरीदा था उसकी डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से कुछ. एंड द सेकंड मैन वाज शूट टू डेथ इन द स्ट्रीट. मतलब कोई भी इस मोबाइल नंबर का ज्यादा पुश नहीं करना चाहता और जो कंपनी है उसने इस नंबर को सस्पेंड कर दिया. 888888. ओ गॉड भाई, मेरे को डर लग रहा है इस नंबर से. खुशी होगी. ओके सो लेट्स डू इट. डायल किया गया नंबर अमान्य है, ये नंबर ये इनवैलिड बता रहा है. ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने रिसर्च करा था इन नंबर्स के ऊपर और इन नंबर के ऊपर से रिसर्च करा, मैंने प्रॉपर आर्टिकल्स भी पढ़े थोड़े बहुत किए गए, इतने ज्यादा श्रापित नंबर क्यों हैं, कहाँ से ये आते हैं, मैंने सब कुछ चीजें डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करी, इन पे कॉलिंग करी. अभी तक मेरे साथ ऐसी कुछ एक्टिविटी हुई नहीं, इन फ्यूचर भगवान न करे कभी हो भी. सो दैट्स इट फॉर टुडे. फिर से एक पोल चलाऊंगा कम्युनिटी पोस्ट में, भाई बता देना क्या चाहिए अगली वीडियो में, वही लेके आ जाएंगे जैसा आप बोलोगे. जनता जनार्दन ऐसे ही बोलते हैं ना. एंड वन मोर थिंग गाइस, आज पोपट हो गया थोड़ा सा. हुआ क्या है कि लेट मी शो यू, मैं अपने माइक का वायर ही लगाना भूल गया, तो इसकी वजह से आज शायद आपको इसमें कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी. तो आप सीधा मेरी कैमरे में, मतलब आईफोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे मेरी आवाज सुन रहे हो. तो चलो, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में. आई होप अगली बार में ये लगाना ना भूलूं. टेक केयर.